लोकसभा चुनाव के बीते चारों चरण की तरह ही पांचवें चरण में भी मतदाता भारी तादाद में अपने घरों से निकले और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। इस दौरान स्वरूप नगर के हाकिम उत्तरपाड़ा के 89 नंबर बूथ पर ईवीएम में खराबी होने के कारण काफी देर तक मतदान शुरू नहीं हो पाया। मतदाताओं को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ा। সেই টাইম ধরে যতটা টাইম হবে সেই টাইমটা আবার সেই টাইমটাই আবার সারাদিনের মধ্যে আজকে সেখানে দিতে হবে। ভোট বন্ধ থাকবে এটা কিন্তু ঠিক না। এলাকার বহু মানুষ তারা একেবারে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ভোট দেওয়ার জন্য, তারা অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে, তবুও তারা আছে, কারণ তারা একটা বদল চাইছে। वहीं दूसरी तरफ लिलुआ के लाल बाबा कॉलेज में भी आप देख सकते हैं कि कैसे मतदाता अपने अपने मतदान करने के लिए जा रहे हैं, जो शांतिपूर्ण चल रहा है। लोकसभा क्षेत्रों के अलग अलग बूथों पर भी मतदान शांतिपूर्ण होता हुआ दिखाई दिया और मतदाता भारी तादाद में अपने घरों से निकलकर मतदान करने पहुंचे। इसी कड़ी में युवा शक्ति की टीम श्रीरामपुर पहुंची और वहां के पार्षद समित चक्रवर्ती उर्फ टुकाई से बातचीत की। इस दौरान टुकाई ने बताया कि यहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। युवा शक्ति की टीम ने इस दौरान आसपास के बूथों का भी दौरा किया और वहां जाकर मतदाताओं से जाना कि वो कैसे अपना मतदान कर रहे हैं और वहां की क्या स्थिति है। युवा शक्ति की टीम इस चुनाव के मद्देनजर सभी जगहों पर चौकन्नी है और चप्पे चप्पे पर युवा शक्ति के संवाददाता मौजूद हैं और वहां से एक एक पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। युवा शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।